जिन छात्रों ने अभी क्या कहते हैं यूपीएससी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो अनुदेशक की वैकेंसी आई थी 2022 में, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पूरे डिटेल्स वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया गया है, आयोग विज्ञापन की संख्या के अनुदेशक मुख्य के अंतर्गत जो है परीक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में 59 व्यवसायों के अंतर्गत जो कुल रिक्त पदों में 504 पदों की पर चयन होना था, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह फॉर्म जो है 18/1/2022 में आया था, जो कि इसकी लास्ट डेट थी 18/2/2022 तक आवेदन की किया गया था। इसमें जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे, उसमें निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त विज्ञापन के प्रकाशित 59 व्यवसायों में अनुदेशक की कुल रिक्त 2504 पदों की संख्या में परिवर्तन करते हुए 42 व्यवसायों के अनुदेशक में कुल रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोग विज्ञापन द्वारा जो है संख्या 441 इसमें यहाँ पर देखते हैं उक्त के क्रम के विज्ञापन के यथावत रखे गए 42 व्यवसायों में, जो कि 42 व्यवसायों से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतत द्वार सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा अपने आवेदन पर पत्र पर उल्लिखित अर्हताओं से संबंधित अभिलेख अपलोड करने हैं हेतु जो है कि अपने अनुदेशक के जो वैकेंसी आए थे उसमें फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था, उसमें क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर पूरा बताएंगे, नोटिफिकेशन दिया है। यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, यहाँ पर सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पे के होम पोजीशन पर उपलब्ध, यहाँ पर आपको जो वेबसाइट थी उस पर जाकर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स अपलोड पीएच डिटेल्स अपलोड विकल्प पर क्लिक करके वांछित प्रविष्टियों पर अंकित करने वाले कर अपने व्यक्तिगत विवरण अथवा ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जो कि जाके आपको वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। कैसे लॉगिन करना है वीडियो में बताएंगे आप सभी को। यहाँ पर पॉइंट दो में दिया है लॉगिन करने के दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अपने अभिलेख को अपलोड करने के उपरांत सेव डॉक्यूमेंट्स विकल्प को करना होगा। आपको ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद जो है सेव डॉक्यूमेंट्स विकल्प को क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव डॉक्यूमेंट्स विकल्प क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थियों को अपने अपलोड किए हुए अभिलेख को व्यू भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपने अपलोड किया था उसको आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है, अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण, जो आपने फॉर्म सबमिट जब किया था फॉर्म 2022 में ही भरा गया, तो जो आपने फॉर्म जिसमें आपने जितना विवरण भरे थे के सापेक्ष जो है अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC जो आपने अनुदेशक प्रमाण पत्र CITS जो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग की जो आपने अनुदेशक की जो है सर्टिफिकेट अपलोड किया था तथा CITS परीक्षा की काउंसिलेटेड मार्कशीट सेमेस्टर मॉड्यूल वार सर्टिफिकेट को एक साथ मार्ज करके उसकी PDF अपलोड करनी होगी। इसमें क्या कहते हैं अनुदेशक की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसको रिज्यूम बना के उसमें PDF बना के उसको आपको क्या करना है अपलोड करना है। इसमें पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया, अभ्यर्थियों को डिग्री डिप्लोमा तथा NAC के अंक पत्र व प्रमाण पत्र को एक साथ
मर्ज करके जो है उसकी भी पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। डिप्लोमा अगर अभ्यर्थियों ने जो क्या कहते हैं डिग्री या डिप्लोमा हो उसकी भी अंक पत्र को जो है मर्ज करके पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको 5 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, औद्योगिक अनुभव, पॉइंट नंबर 5 में दिया है, औद्योगिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उद्योग की रजिस्ट्रेशन संख्या व विधित मान्य PIN या NTA संख्या भरनी होगी तथा संस्था का नाम व पता तथा अनुभव की अवधि को भी अंकित करना। जब आपने CTI किया 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद उसमें किस कंपनी से उद्योग मतलब कंपनियां से जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया होगा उसमें क्या कहते हैं कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन संख्या और नाम पता पूरा विवरण भी आपको फिलअप करना है। पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया है, किसी संस्था से अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को संस्था का नाम एवं पता तथा अनुभव की अवधि को अंकित करना। जिन विद्यार्थियों ने क्या कहते हैं किसी कॉलेज को पकड़कर अनुभव अगर प्राप्त किया, टीचर पढ़ाते हुए विद्यार्थियों का अनुभव प्राप्त किया है वहाँ का विद्यालय का नाम और क्या कहते हैं अवधि को अंकित भी करना होगा। पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया गया, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत के संगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज करके उसकी पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। जो आपने क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगी उसको एक साथ मर्ज करके पीडीएफ बना के उसको भी आपको क्या करना होगा अपलोड करना होगा। पॉइंट नंबर 8 में क्या दिया गया, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिव्यांग क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन किए गए हैं उन्हें अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उपश्रेणी को अनिवार्य रूप से अपलोड करें। जो विद्यार्थी क्या कहते हैं दिव्यांग हों उनको जो है अपनी आवेदन पत्र की दिव्यांगता की उपश्रेणी को अनिवार्य रूप से जो अपने दिव्यांगता की सर्टिफिकेट हो उसको भी जो है आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इसमें पॉइंट नंबर 9 में क्या दिया गया, अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों की प्रत्येक पीडीएफ की अधिकतम साइज जो है 2 MB होनी चाहिए। जो जितने वेबसाइट हो जितने डॉक्यूमेंट्स हो उसकी अधिकतम साइज जो है 2 MB होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 10 में क्या दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख स्पष्ट पठनीय योग्य होने चाहिए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो वो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है पढ़ने योग्य हो कि आदमी जो है पढ़ सके उसको, ऐसा नहीं हो कि उसको पढ़ने योग्य न हो। अभिलेख अस्पष्ट पठनी होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आपने अपलोड किया वो अपठनी होगा, अगर उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो उसको फॉर्म हो सकता है आपको का फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। यहाँ पॉइंट नंबर 11 की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 11 में क्या दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने एवं वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करते हुए अनिवार्य रूप से सबमिट करना। उसमें क्या कहते हैं आपको वेरिफिकेशन कोड जो है जब वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको भी क्या करते हैं विकलांग के रूप में आपको अंकित करने के हेतु के रूप में आपको अनिवार्य रूप से जो है सबमिट करना होगा। सबमिट विकल्प को क्लिक करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जो डॉक्यूमेंट जितना डाटा आपने अपलोड किया हो उसमें क्या करते हैं कोई परिवर्तन उसमें बाद में आपको कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपलोड किए हुए अभिलेखों को भलीभांति पुष्ट करके उपरांत ही सबमिट विकल्प को क्लिक करें। जितना डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं आपने अपलोड किया है उसको भलीभांति आपको पुष्टि कर लेना है कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, पूरा डिटेल्स आपको सही तरीके से चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग द्वारा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपने जो डाटा अपलोड किया है उसमें क्या कहते हैं अगर आपके कोई भी डाटा अगर आपका गलत पाया जाएगा तो उसमें जो है
आयोग के द्वारा जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र पाए जाने की दशा में अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट में उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के अनुसार की जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही होगा तभी आप इस पात्र में आ पाएंगे, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अतः समस्त अभ्यर्थियों से उसके आवेदन पत्र में उपयुक्तानुसार शैक्षिक या अनुभव शक्ति अर्हता के आप सापेक्ष आवश्यक अभिलेख अनिवार्य रूप से दिनांक 28 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि तक अपलोड किए जाएंगे। यह फॉर्म जो है आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है 28 फरवरी तक ही आपको मध्य रात्रि तक 12 बजे तक लगभग आप इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म से भी हाथ धो बैठेंगे, नहीं भर पाएंगे। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित विवरण अंकित न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने की स्थिति में मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्ट हेतु पात्र नहीं समझा जाएगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड नहीं होगा तो इसमें जो है आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के उपरांत ही अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। आपको जो निर्धारित समय दिया गया है उस निर्धारित समय में ही आपको अपने फॉर्म को अपलोड करना है, इसके उपरांत आपको जो है कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर आपको ऑनलाइन अभिलेख अपलोड करने हैं तो अतिरिक्त अन्य किसी के माध्यम से प्रेरित किए गए अभिलेखों से संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। जितने भी आपको इसमें UPSSC की वेबसाइट पर जाके वहां से आपको इसको आवेदन करना होगा। आपको अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा इसी तरीके के नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।